नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। याद कीजिए 1992 का दौर, पूरे देश में एक ही नारे का शोर था, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। रथ यात्रा, लाल कृष्ण आडवाणी और फिर अगले ही चुनाव में दो सांसद वाली बीजेपी 85 सांसदों वाली पार्टी बन जाती है। इसके बाद मानो राम की कृपया हमेशा बीजेपी पर बनी रही। 1996, 1998, 1999 और 2014 में बीजेपी ने केंद्र में सत्ता बनाई, लेकिन क्या राम मंदिर बन पाया? इस सवाल का बीते 27 सालों से एक ही जवाब है, नहीं, अभी तक नहीं। तो क्या बीजेपी ये मान चुकी है कि राम मंदिर को बना पाना उसके बस की बात नहीं है? इसको समझने के लिए आपको बीजेपी के ही दो घोषणा पत्रों के फ्रंट पेज हम आपको दिखाते हैं। पहला फोटो 2014 के घोषणा पत्र के फ्रंट पेज का है, जिसमें अटल बिहारी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, राजनाथ सिंह हैं और नीचे मोदी जी की टीम है। लेकिन अब दूसरे फोटो को देखिए, आज के बीजेपी के घोषणा पत्र का फ्रंट पेज है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो क्या ये माना जाए कि 2014 और 2019 की बीजेपी बदल गई है और अब जो बीजेपी है वो दरअसल राम मंदिर से नहीं बल्कि राष्ट्रवाद से चलती है? या कहें कि बीजेपी समझ चुकी है कि वर्तमान में जनता के दिलों में राम मंदिर की लालसा नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की ज्वाला भड़क रही है और इसी वजह से राम मंदिर पर बिना किसी कठोर स्टैंड लिए 40वें पेज पर राम मंदिर के मुद्दे को डाल दिया गया। आज सवाल यही है कि क्या बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद फ्रंट फुट पर है और राम मंदिर बैक फुट पर है? और इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। ये गूंज काफी लंबे दौर तक सुनाई दिया, कहें कि 3 दशक तक ये गूंज सुनाई दी, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। लेकिन अब मंदिर यहीं बनाएंगे ये नहीं बताएंगे कि कब बनाएंगे, और इसीलिए जो फ्रंट फुट पर हुआ करता था वो दरअसल 40वें पेज पर पहुंच चुका है। तो क्या बीजेपी की विचारधारा बदल गई है राम मंदिर को लेकर? बात इस मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी, कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा जी, हिंदू धर्म गुरु पुरुषोत्तम शर्मा जी और मुस्लिम धर्म गुरु हाजी सईद कायम खानी जी। जितेंद्र श्रीमाली जी, चर्चा में आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। माना जाए कि राम मंदिर पर अब राष्ट्रवाद भारी पड़ता हुआ नजर आए, या फिर कहें कि चुनाव को देखते हुए, मौके की नजाकत को देखते हुए राम मंदिर 40वें पन्ने पर पहुंच गया और राष्ट्रवाद फ्रंट फुट पर आ गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद और मंदिर, राम मंदिर, इनको आप अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही विषय हैं, क्योंकि दोनों ही विषय जो हैं वो देश की अस्मिता और देश की आस्था से जुड़े हुए हैं जी। इसलिए आप दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और इसीलिए एक पहले पन्ने पर और एक 40वें पन्ने पर, अब आप बीच के अंतर बताते हैं सर, बताइए या जवाब भी आप दे दीजिए जी। मेरा ये कहना है कि जब बाबर का समर्थन करने वाले जो लोग थे उनके स्वर बदले हैं आज, और आज स्थिति ये हुई है कि जो बाबर का समर्थन करने वाला व्यक्ति है वो राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं कर सकता है। इसलिए राष्ट्रवाद और मंदिर, भगवान राम का मंदिर, ये दोनों एक ही विषय है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मत है, और भारतीय जनता पार्टी सदैव कहती है अपने घोषणा पत्र में, आज जो घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी हुआ है उसमें भी हमने कहा है कि राम मंदिर हमारे आस्था का विषय है, ये देश की अस्मिता से जुड़ा विषय है, और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाने के लिए कृत संकल्प है, और इसके लिए जितने भी विकल्प हैं, चाहे वो न्यायालय का विकल्प हो, चाहे वो आपसी सामंजस्य का विषय हो, या सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाने वाले कोई निर्णय हो, जितने भी विकल्प हैं उन सब विकल्पों पे निर्णय करके और इस राम मंदिर के लिए हम कटिबद्ध हैं जी। अच्छा, ये बताइए, आपने आप बोलिए ना सर, अब हाँ बिल्कुल, ये कंप्लेंट तो नहीं कि बोलने नहीं दे रहा? नहीं नहीं साहब, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर आपने ये कहा कि राष्ट्रवाद और राम मंदिर एक ही है, तो एक पहले पन्ने पर क्यों और एक 40वें पन्ने पर क्यों? ये तो आपने इसको पहला पन्ना और 4 पन्ने बता दिए सर, 40वां पन्ना सर, कि राष्ट्रवाद और राम मंदिर को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय जो राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग थे, इन्होंने ये कहा था कि राम का तो जन्म नहीं हुआ, मेरे साथ में बैठे हैं कांग्रेस के लोग, इन्होंने तो शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में, बीजेपी की बात कीजिए ना, राम मंदिर तो विषय नहीं है, राम का तो जन्म नहीं हुआ था, कांग्रेस ने किसी चुनाव को राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं लड़ा है, इस बात का एफिडेविट दिया उस समय पुरुषोत्तम शर्मा भारती जी। सर थोड़ा सा यहाँ पर आपको दुख लग रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर 30 सालों से लड़ाई लड़ी जा रही हो और जिस सरकार के लिए कहा जा रहा हो कि अब ये सरकार आ गई है, राम मंदिर बन जाएगा,
वो अगले चुनाव में जाने से पहले घोषणा पत्र जारी करती है, 40वें पन्ने पर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जाती है और राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा इस पर ना हां और ना इस पर ना। देखिए आज जो घोषणा पत्र आया है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये राम मंदिर का खाली, भगवान राम का खाली राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि पिछला जो इतिहास रहा है 27 साल का उसमें 91 से लगा करके आज तक अनेक बार इन्होंने ऐसे जो है जब भी चुनाव आते हैं इस तरीके की घोषणाएं करते हैं, और वर्तमान में जो पिछले 5 साल का जो समय गया है उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक इसको समझ गया है, हर आदमी इस बात को समझता है, ये खाली एक जुमलेबाजी ये करते हैं भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, जबकि वास्तविकता ये है कि ये जो है इसकी इनकी इच्छा शक्ति इसके लिए नहीं है। अभी इनको कौन रोक रहा था, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, पूरे देश में इनकी सरकार थी, और अगर इनके मन में इसकी भावना होती तो अब तक ये राम मंदिर बन चुका होता। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि आपसी बातचीत से इस मामले का हल निकालना चाहिए, पिछले बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप लोग जो है मिलकर के इसी बातचीत करें, लेकिन इनके बारे में कोई पहल नहीं हुई। जहाँ तक कि धर्म संसदें हैं, धर्म सभाएं हैं, उन्होंने अनेक बार सरकार को से आग्रह किया कि इस दिशा में कदम बढ़ाया जाए, लेकिन वो खाली एक जो है जुमलेबाजी रही। और लेकिन सर अब धर्म संसद का रुख क्या रहेगा, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र को देखकर ये लगता नहीं कि राम मंदिर के मुद्दे को बहुत आगे तक वो खींच कर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके लिए एक नया मुद्दा आ गया और उस मुद्दे का नाम है राष्ट्रवाद। देखिए धर्म संसद पहले ही निर्णय कर चुकी है, अभी इलाहाबाद में जो कुंभ हुआ था उसमें भी अनेक बार धर्म संसदें हुई और उन्होंने अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि जो भी धर्मावलंबी है कम से कम भगवान राम के नाम के ऊपर तो बीजेपी को वोट नहीं देगा, और यह स्थिति स्पष्ट रूप से पूरे देश के अंदर है। और अब जो आज जो इनका घोषणा पत्र आया है उससे यह स्पष्ट है। अच्छा आपको लगता है कि सर ये नई बीजेपी है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है, जो 1992 में रथ यात्रा निकालते हैं, मुरली मनोहर जोशी नहीं है? देखिए इनकी जो स्थितियां हैं अभी हम देख रहे हैं पिछले समय से कि जो बीजेपी के कर्ता धर्ता थे उनको सबको साइड में कर दिया गया, उनसे कोई मार्गदर्शन नहीं। पहले पिछला जब चुनाव हुआ था तो एक मार्गदर्शन मंडल बनाया था, लेकिन अब सब जो क्योंकि अब ये महसूस कर रहे हैं, इनकी ये मान्यता है कि अब मोदी के नाम के ऊपर हमें वोट मिल जाएगा, तो अभी जो चुनाव को जो टिकट वितरण हुए हैं या चुनाव की जो भूमिका बनी है, जो घोषणा पत्र बना है, जो सीनियर्स थे जिनके पीछे जो है ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी, उनको सबको साइड में कर दिया गया। सुरेश मिश्रा जी, सर लग रहा है कि जिस तरीके का घोषणा पत्र जारी किया गया, बहुत सी घोषणाएं बीजेपी ने भी की है और कांग्रेस भी अपने पत्र के जरिए, न्याय के जरिए कर चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से देश में राष्ट्रवाद की ज्वाला अलग तरीके से चल रही है, बीजेपी ने सोचा क्यों ना गरम लोहा इसी पर हथौड़ा मारा जाए, और इसीलिए राष्ट्रवाद पहले पन्ने पर आ गया और राम मंदिर 40वें पन्ने पर पहुंच गया। देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राम जी के नाम का इस्तेमाल करती आ रही है, सिर्फ राजनीति करने के लिए राम जी का इस्तेमाल करते हैं, राम लला आएंगे मंदिर नहीं बनाएंगे वरना वोट कहाँ से लाएंगे, इसका हर बार उन्होंने इस्तेमाल किया। वोट लेने के लिए राम जी का नाम लेते हैं, बाद में राम जी को भूल जाते हैं। आज राम जी टाट में पड़े हुए हैं और बीजेपी के नेता ठाट में पड़े हुए हैं, तो राम जी ने इनको यहाँ तक पहुँचा जरूर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार राम जी का इनको श्राप लगेगा, और राम जी ने भी तय कर लिया है कि इनको तो इस बार राज से बाहर करना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ मुद्दा बनाना जानते हैं, मुद्दे पे काम करना नहीं जानते। आप देखिए 27 सालों में हजारों लोग मारे गए, पूरे देश के अंदर भमंडर खड़ा किया गया, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, और उसके बाद में आज इतने सालों के बाद में भी, अभी मुझे थोड़े दिन पहले याद है एक दिन अमित शाह जी का इंटरव्यू आ रहा था, अमित शाह जी कहते हैं कि राम मंदिर हमारा मुद्दा है ही नहीं, तो भैया फिर जनता को मुड़ क्यों मना रहे हो आप लोग, जनता को परेशान क्यों कर रहे हो इतना ज्यादा, और बार बार। सर अब ये नए दौर की बीजेपी है, ये राष्ट्रवाद पर चलती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद की बात को भी ये ढकोसला है, इनका कोई इनका राष्ट्रवाद नहीं है, इनका सिर्फ एक वाद है कैसे करके राज में आना है, लेकिन कैसे करके जनता को मूर्ख बनाना है। जानते हैं कि एक दौर वो भी कांग्रेस के अंदर था जब पूरे राम कथा को ही काल्पनिक मान लिया गया था, राम सेतु को कभी राम कथा को काल्पनिक ना तो माना गया। आपको याद दिलाना चाहता हूँ मैं 1986 के अंदर राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे, कुछ किया ही नहीं है आपको, जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है आपको।
आप भारत सरकार का शपथ पत्र दीजिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब जोर से बोल करके झूठ बोलना चाहते हैं बीजेपी। झूठ बोल रहे हैं बीजेपी ने सिर्फ राम का नाम का इस्तेमाल किया। आपने जनता का दोहन किया बीजेपी के राज में। जिनको धर्म जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मंदिर से हटिए, मंदिर पर कब्जा करके बैठे हैं, इनको आपने धर्मगुरु बना के बैठा है। ये क्या क्या बोल सकते हो? जो राजनीति प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, धर्म गुरु के रूप में, ये कौन सा धर्म गुरु है? आपके पास बात करने का मौका नहीं है। सुरेश मिश्रा जी, सुरेश मिश्रा जी कब्जा कर रखा है। सुरेश मिश्रा जी राम मुद्दे को भड़का रहे हैं, मुद्दे को भड़का रहे हैं। निकलिए बाहर। वो क्या बोल रही है? आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। आप ये मत करिए इस प्रकार से। और ठीक है, जितेंद्र श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करके जितेंद्र श्रीमाली जी सर, मैं विद रिस्पेक्ट आपसे पूछ रहा हूं, जो भी आपके खिलाफ बोलेगा क्या वो कांग्रेस का नुमाइंदा हो गया? मतलब पैरामीटर ये बच गया है, एक हिंदू धर्म गुरु को हमने बैठाया है, जब तक वो आपके लिए अच्छी लच्छेदार बातें करेंगे वो सही है, वो धर्म गुरु है, और आपके खिलाफ अगर वो बोलेंगे तो वो कांग्रेस का प्रवक्ता हो गया। ठीक है जितेंद्र श्रीमाली जी पहले तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि आप किसी पर व्यक्ति का टिप्पणी यहाँ पर नहीं करेंगे। सर नहीं, तो वो जो वास्तविकता है वो तो बताए ना। वास्तविकता ये है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर पहले पन्ने से निकलकर 40वें पन्ने पर पहुंच गया। हाईकोर्ट में हाईकोर्ट का डिसीजन है, उसमें तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मैं नहीं कर रहा सर, तो कहिए ना, लेकिन ये बताइए ना कि राम मंदिर का मुद्दा तो बात कीजिए। राम जी के ऊपर आप बात कीजिए, आपके घोषणा पत्र पर एक्शन नहीं लगाएगी। बात कीजिए कि राम लला आएंगे मंदिर में, इतना राम जी के नाम पर हमारे साथ मौजूद है सईद कायम खानी जी बीजेपी का जो ये घोषणा पत्र आया है और इसमें राम मंदिर का मुद्दा पहले पन्ने से उतर कर आप कुछ लिखा है। एक ऐसी उम्मीद यहाँ पर बन रही है जिसकी जगह समझौता यहाँ पर हो सकता है और राम मंदिर की राह भी आसान हो सकती है, क्योंकि ये मामला अगर उलझा भी तो कट्टरता की वजह से भी उलझता हुआ नजर आया। देखिए सईद कायम खानी जी, इस मामले का हल नहीं चाहते, मामला अटका हुआ है, वो सिर्फ इसका उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह रहा है। रुक जाइए, सुन लीजिए जरा, लेकिन उनका राम मंदिर बनाने के लोग राजनीति करना चाहते हैं राम के ऊपर, और कुछ नहीं कर सकते। आप सच्चाई बोल रहे हैं, ये घोषणा पत्र की बात है, इनका घोषणा पत्र की बात करो। आज इन्होंने ये कहा कि संकल्प पत्र है, नाम बदल दिया, कल को ये मोदी जी के लिए ये हरिश्चंद्र है, नाम बदलने से मोदी जी हरिश्चंद्र जी होंगे, जुमलेबाजी रहेंगे और इनके जुमलेबाजी कभी खत्म नहीं हो सकती। ये घोषणा पत्र संकल्प पत्र इनका जुमला है, जैसे ही चुनाव जीतेंगे ये घोषणा पत्र को जुमलेबाजी बता देंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं। 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया और आने वाले टाइम में भी नहीं करेंगे कुछ। बिल्कुल देश से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे धनाढ्य इन्होंने पैसे दे देकर देश के बाहर भेज दिए, बहुत सारे मुकदमों में इन्होंने अपने लोगों को बचाया भी है, तो इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं और तानाशाही के रूप में सत्ता में रहना चाहते हैं। इन लोगों का देश से कोई मतलब नहीं है। सर सुनिए जरा, जितेंद्र माली जी दूसरों को बोलने दीजिए। और अब मेरा सवाल आपसे है सर, ये महज इत्तफाक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी फ्रंट पेज से गायब, मुरली मनोहर जी फ्रंट पेज से गायब, लाल कृष्ण आडवाणी जी फ्रंट पेज से गायब, और राम मंदिर का मुद्दा पहले पेज से गायब और 40वें पेज पर पहुंच गया। ये इत्तफाक है महज? अब जवाब दे रहा हूं, बताइए जी, फ्रंट पेज से गायब कांग्रेस के कौन से वो सर बीजेपी और कांग्रेस में अंतर है या नहीं, पहले मुझे ये बताइए। सीधा सिस्टम में यूज करो। अरे ये अडवाणी जी जब तक उपयोगी थे, अडवाणी जी फर्स्ट पेज पे थे, वर्तमान के अंदर देश को संभाल रखा है। ये अडवाणी जी अगर उपयोग नहीं आ रहे तो ये लास्ट में लगेंगे। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर मानते क्यों नहीं है? जितेंद्र श्रीमाली जी मैं वही तो कह रहा हूँ,
मैं वही तो कह रहा हूं सर कि जो बीजेपी है वो अब लाल कृष्ण आडवाणी और राम मंदिर वाली बीजेपी नहीं, वो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रवाद वाली बीजेपी है। इसलिए अभी जो आडवाणी जी ने अपना ब्लॉग लिखा उस ब्लॉग के अंदर कांग्रेस को ये स्पष्ट कहा कि आप व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़े देश को समझिए, और उन्होंने बड़े बिल्कुल समझ रहे हैं। सैनिकों को मरवा दिया इन लोगों ने, वाली बातें साथियों को पैसे दे दे के बाहर भेज दिए इन लोगों ने, ये देश का भला कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। अपने ब्लॉग में भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि देश से बड़ा। अच्छा, ये मानते हैं, ये मानते हैं कि राम मंदिर के नाम पर अब वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए राष्ट्रवाद के नाम पर पार्टी कृत संकल्प है और हम इसके नाम पर कृत संकल्प शब्द का इस्तेमाल घोषणा पत्र में किया गया है। कृत संकल्प नहीं है ये, उसके लिए राम का नाम इस्तेमाल करके सत्ता में आना चाहते हैं। एक एक करके बोलिए, पहले तो एक एक करके रुकिए जरा। जितेंद्र श्रीमाली जी, आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करें, कृत संकल्प, कृत संकल्प, क्या घोषणा पत्र में शब्द का इस्तेमाल है? बिल्कुल है, आप पढ़िए घोषणा पत्र, मेरे साहब पास में ये संकल्प उठाइए जरा, इसका 40वां पन्ना, इसमें जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अपने शासन के अंदर समस्त जो विकल्प हैं राम मंदिर बनाने के लिए उनको उन पर रास्ता तलाश करके मंदिर बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। अपने भाषण में कहा है, फिर आप वही कह रहे हैं, अपने भाषण में भी कहा है, मैं घोषणा पत्र पर बात कर रहा हूं, क्या घोषणा पत्र में कृत संकल्प शब्द का इस्तेमाल किया गया? देखिए, जब जब कोई संकल्प हाई कोर्ट के अंदर निर्णय हो चुका हमारे पक्ष में और राम मंदिर बनाने की बात हाई कोर्ट ने कह दी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसके ऊपर निर्णय होने ही वाला था, जब कपिल सिब्बल ने वहां पर एप्लीकेशन लगा करके घोषणा का पत्र का पता ही नहीं है, घोषणा पत्र में कौन कौन से पॉइंट है, उसका निर्णय स्थगित करवाया, ये सिर्फ मौखिक बातें कर रहे हैं। अजय, आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार नहीं है सर, क्यों नहीं है? जितेंद्र श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, सर मैं आपको रोक रहा हूँ एक मिनट, जितेंद्र श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, सर विद रिस्पेक्ट मैं आपको ये कह रहा हूँ, इस प्रोग्राम के अंदर हर किसी को बोलने का अधिकार है, उनको सुनिए जरा सर, सुनिए जरा, आप सुनिए सर, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, और दूसरी बात ये कि आपको अगर किसी से परहेज है या फिर आपको आपत्ति है तो जब आपकी बात आए आप उनको कहिए, लेकिन टोकेंगे नहीं, आप टोकेंगे नहीं सर, ठीक है, रुक जाइए। अब पुरुषोत्तम शर्मा भारती जी, सर आपको समझ में आ गया होगा कि राम मंदिर अब पीछे जा रहा है, राष्ट्रवाद आगे आ रहा है, अब राम मंदिर को बनाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, ये स्पष्ट रूप से जगजाहिर हो चुका है कि बीजेपी का राम मंदिर बनाने का कोई लक्ष्य नहीं था, और क्योंकि जिस तरीके से जुमलेबाजी इन्होंने की और खाली वोट हासिल करने के लिए जब जब भी चुनाव हुए इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को आगे लाए, लेकिन जब पूरा देश ये समझ चुका है कि अब राम मंदिर के बारे में जो भी बातें इन्होंने कही है वो असत्य है, क्योंकि इनकी जब भारत में इनकी सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, ये वो सारी कहो, आपने अपने बाप की कसम तो नहीं खाई, कसम खाई है राम जी की कि राम लला माई मंदिर बनाने श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, धर्मगुरु का जितेंद्र श्रीमाली जी, सर मैं बार बार आपको एक ही चीज समझा रहा हूँ कि आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, पहली चीज सुनिए जरा, खाते हैं मंदिर नहीं बनाएंगे, और दूसरी बात जितेंद्र श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, क्या महज ये इत्तेफाक, इसमें कांग्रेस और बीजेपी का कोई सवाल, चलिए सबको मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि इस मुद्दे पर कोई सुनने को तैयार नहीं, और रामलला कब आएंगे, मंदिर कब बनेगा कोई बताने को तैयार नहीं है। चित्तौड़गढ़ हम आपको लेकर चल रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, उनको सुन, मांगे गए हैं, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या बीजेपी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें राम मंदिर का पहले पन्ने से निकलकर 40वें पन्ने पर पहुंच जाना और राष्ट्रवाद पहले पन्ने पर आ जाना, यह बताता है कि बीजेपी का स्टैंड अब राम मंदिर को लेकर थोड़ा बदल गया है, और जिस तरीके से देश के अंदर राष्ट्रवाद को लेकर एक अलग ही ज्वाला चल रही है उसको भुनाने के लिए राष्ट्रवाद को पहले पन्ने पर डाल दिया गया है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, बीजेपी से जितेंद्र श्रीमाली जी बने हुए हैं, कांग्रेस से मेरे साथ सुरेश मिश्रा जी बने हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु कायम खानी जी मेरे साथ बने हुए हैं, और हिंदू धर्मगुरु पुरुषोत्तम जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। सुरेश मिश्रा जी, इस चर्चा को एक बार फिर से मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा, क्या वाकई में आपको लग रहा है, क्योंकि इससे पहले के जो चुनाव बीजेपी लड़ रही थी वो राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ रही थी, धारा 370 के मुद्दे पर लड़ रही थी, लेकिन इस बार क्योंकि बीते 3 महीनों को देखे
तो राष्ट्रवाद की बयार एक अलग तरीके से हिंदुस्तान में चलती हुई नजर आई है और इसीलिए राष्ट्रवाद के सहारे बीजेपी चल रही है। कांग्रेस के लिए फिर परेशानी। देखिए, ना तो इनके लिए राम का ही मुद्दा रहा, ना कभी राष्ट्र इनके लिए मुद्दा रहा। इनका मुद्दा ये रहा कि कैसे करके वोट हासिल किए जाए। उस समय इनको ये लग रहा था कि राम जी के नाम पे वोट मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए राहुल जी, उस जमाने में इन्होंने कहा, बार बार कहा कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अपने बाप की कसम कभी नहीं खाई इन लोगों ने कि मंदिर वहीं बनाएंगे। राम जी को तो मारने में लगे हुए हैं और राम जी की इन्होंने पूरी तरह से हत्या की है। सर, तो आप देखिए कि क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस के लिए। हम तो कहना चाहते हैं कि राम मंदिर बनना है, भव्य मंदिर बने, कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस के लिए तो वैसे भी राम जी पुरुषोत्तम राम जी वैसे भी काल्पनिक करतार है। कोई कभी नहीं कहा हमने सदैव कहा कि राम जी का सब सम्मान करते हैं और हम तो हर भाषण में कहते हैं राम जी की कृपा है हम पर। और ये राम जी की कृपा का अब ये कह रहे हैं कि बीते 5 सालों में बीजेपी ने राजस्थान में तो हर व्यक्ति और देश में स्टैंड बदलने पर मजबूर कर दिया। कोई गलत सब फालतू की बातें। 1986 में ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी जी ने खुलवाया। राम मंदिर के सर ताला लगवाया किसने? ताला लगा हुआ था अंग्रेजों के जमाने से, कांग्रेस ने लगवाया। कांग्रेस ने नहीं लगवाया। मैं आपको पूरी पूरी कहानी बताना चाहता हूं। राम सेतु को काल्पनिक किसने बताया? कभी नहीं कहा कांग्रेस ने। ये एक हलफनामा एक वकील के माध्यम से जाता है और वो कांग्रेस की तरफ से गया, ना सरकार की तरफ से गया। वो वकील किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, वो अपनी वकालत जितने सरकार के वकील हैं, वो मंत्री रहे, कभी कभी चोर की पैरवी करेंगे, डाकू की पैरवी करेंगे, तो ये पार्टी थोड़ी कहलाएंगे जी। कपिल सिब्बल जी वकील हो सकते हैं जी और अपनी बात कह सकते हैं और एक दौर में कांग्रेस के मंत्री भी हो सकते हैं। एक मिनट, सही कह रहा हूँ सुरेश मिश्रा? बिल्कुल, आप आपत्ति नहीं कहना चाहता हूँ जी। अगर अनुमति हो तो, शायद इनको जानकारी नहीं है कि ये जो हलफनामा दिया गया वो किसी वकील के द्वारा नहीं दिया गया, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल जो थे उनके द्वारा, जो भारत सरकार नियुक्त करती है वकील को भारत सरकार की पैरवी करने के लिए, उनकी तरफ से पेश किया गया। और वहां यह कहा गया कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, कपोल काल्पनिक कहानी है ये, इसलिए ये जो राम सेतु का जो विषय है झूठ बोलना अच्छा आता है इनको, तो इसलिए आपको पता है वाला नाम बताइए। वकील भारत भारत सरकार का आज डबल एजी और एजी एडवोकेट जनरल अगर कोर्ट में कोई बयान देते हैं तो इसका अर्थ ये होता है भारत राजस्थान सरकार बोल रही है। आपको पता होना चाहिए अगर एडवोकेट जनरल कोई बात बोलेंगे कोर्ट के अंदर तो वो होती है जितेंद्र श्रीमाली जी सर, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहल की रुकिए जितेंद्र श्रीमाली जी हाजी सईद कायम खानी जी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहल की, उसके बाद कुछ धर्म गुरुओं को वकीलों के साथ मिलकर ये एक टीम बनाई गई कि आप इस मामले को सुलझाइए, पक्षकारों के साथ बैठिए और शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए, उसके बाद बीजेपी का एक घोषणा पत्र आना, आपको लगता है कि इस मामले के अंदर मुस्लिम जो अक्सर डरा करते थे क्योंकि जब शिलाएं निकलती थी और मुस्लिम की तरफ से यह भी कहा जाता था कि बीजेपी कट्टरता के साथ इस मामले को आगे लेकर चल रही है, अब जिस तरीके का स्टैंड है, लगता है आपको सही है? बिल्कुल नहीं, इनकी बात यह है कि इनकी नीयत साफ है ही नहीं इस मामले में। ये कभी भी न तो राम मंदिर बनाने के पक्षधर थे न आज हैं। आज अभी आज के घोषणा पत्र क्यों आप पक्षधर हो? कानून अगर इजाजत देता तो बनाओ, मैं बता दीजिए ना, लेकिन मस्जिद तोड़ के आप मंदिर बनाओ तो पॉसिबल नहीं है। आप स्टेटमेंट दीजिए क्यों नहीं आज तक फैसला है, क्यों मस्जिद तोड़ी गई है? अगर देश को मानोगे मस्जिद तोड़ गई इसीलिए वहां फैसला नहीं हो सकता। आप क्यों बयान दीजिए कि हाँ पक्ष में है, कोर्ट फैसला क्यों नहीं कर रही है? तो हम क्या वजह कोर्ट फैसला नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट फैसला क्यों है बता दीजिए। वहाँ वजह यह है कि वहाँ मस्जिद थी और सारे कागजात मस्जिद के पक्ष में है, इसलिए कोर्ट फैसला कर ही नहीं सकती। अजय हाई कोर्ट ने कर दिया, आप सबूतों को जुड़ना नहीं सकते। दिया फैसला तो ये मध्यस्थता का रास्ता दूसरा निकाल रहे हैं। मंदिर जबरदस्ती बनाए मंदिर में आगे भविष्य में हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया है। और जिस समाज की बात कर रहा हूँ वो समाज चाहता है मंदिर बने, ये मैं कह रहा हूँ जरूर आइए, मैं कह रहा हूँ जिस समाज की बात कर रहे हो वो समाज
पूरा समाज मंदिर बन जाए राम समाज को तो पांच साल के ठेकेदार है वो नहीं चाहते आपके बनाने का चार बजे का उपयोग चाहते हैं बस बस और उस सत्ता का उपयोग को लगातार बुनाना चाहते हैं। हाजी सईद कायम खानी जी ये तो आप भी मानते होंगे सर कि अयोध्या जो है वो प्रभु राम की जन्मभूमि है। बिल्कुल है जन्मभूमि, लेकिन वहीं जन्मभूमि वो मस्जिद की जगह ये पॉसिबल कैसे? इसको कौन डिसाइड करेगा? जा रहा है सर भाई, इसको कौन डिसाइड करेगा? जाया जा रहा है आज जो बिल्कुल झुकाया जा रहा है भाई, मस्जिद जहाँ थी उस मस्जिद के टोटल सबूत मस्जिद के पक्ष में है, वहाँ कब्रिस्तान था, सबूत तो वहाँ पर ये भी दिए गए हैं कि जो उसका नीचे का ढांचा है वो मंदिर का ढांचा है। नहीं नहीं नहीं, मस्जिद मंदिर तो था ही नहीं, कभी रहा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, डिसीजन साहब बिल्कुल हाई कोर्ट का डिसीजन है। आप इसका इतिहास पढ़िए, वहाँ मंदिर अयोध्या में राम मंदिर हो सकता है, अयोध्या में राम जन्मभूमि हो सकती है, लेकिन बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर ये संभव नहीं है। पुरुषोत्तम भारती जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को पीछे करके राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे लेकर आई है, आपको उम्मीद की बीजेपी अगर वापस पांच साल सत्ता में आई तो राम मंदिर बन जाएगा? नहीं बनेगा कोई भी इनकी, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इनकी इच्छा शक्ति होती तो पहले ही ये बन चुका होता, सब ग्रुप सब वर्गों को साथ में लेकर के भी अगर ये पहल कर सकते थे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन इस दिशा में इनका कोई कदम नहीं आया। वो एक ऐसा अवसर था उसमें सब लोग मिल आने के लिए तैयार भी बैठे हुए थे, लेकिन इनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई। अगर पहल हो जाती तो सब लोग मिलकर के एक रास्ता निकाल सकते थे। अच्छा, क्योंकि इस बार क्या हुआ पुरुषोत्तम जी? ठीक है पुरुषोत्तम जी, इस बार ऐसा क्या हुआ कि यूपी चुनाव हुए तो शिलालेख जो है वो अयोध्या की तरफ रवाना हुई, 2014 का चुनाव हुआ तो शिलालेख जो है अयोध्या की तरफ रवाना हुई, 2019 से पहले क्यों नहीं हो रही? ये तो जनता को गुमराह करने का एक इनका तरीका था कि किसी भी तरीके से लोग ये महसूस करने लगे कि हाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। नहीं, 2019 से पहले भी वहाँ धर्म संसद हुई है, धर्म संसद के नाम पर वहाँ लोग इकट्ठे नहीं हुए, इसलिए इन्होंने इस मुद्दे को बैक में कर दिया। 400 पॉइंट पर लेंगे ये लोग, अगर जनता संकल्प है कुछ जितेंद्र श्रीवाली झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जितेंद्र श्रीवाली जी, मैं एक बार फिर से आपसे मूल सवाल कर रहा हूँ सर, 2014 में कृत संकल्प, अब मैं आपके शब्द दोहरा रहा हूं, कृत संकल्प ये घोषणा पत्र में लिखा गया था कि कटिबद्ध है बीजेपी राम मंदिर बनाने के लिए। पांच साल गुजर गए सर, एक वहां पर शिलालेख रखा नहीं गया। अब आप एक बार फिर से पहले पन्ने से हटाकर 40वें पन्ने पर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर गए। मैं मान लेता हूं कि आप उतने ही कटिबद्ध हैं, उतने ही कृत संकल्प है, लेकिन जनता को किस तरीके से कहेंगे कि जो 27 साल में नहीं हुआ वो अगले पांच साल में होगा? बिल्कुल, 1996, 1998, 1999, 2014 ये पांच सरकारें बीजेपी की आ चुकी, चार सरकारें बीजेपी की आ चुकी हैं, एक शिला लेख नहीं रखा गया। ठीक है, देखिए हाई कोर्ट के अंदर इस बात के ऊपर निर्णय हो चुका कि भगवान राम का जहां जन्म हुआ वह स्थान वही है जहां पर भगवान राम की आज पूजा हो रही है, ये हाई कोर्ट ने यह तय कर दिया और इसके ऊपर निर्णय हो चुका। फिर जो है कुछ लोग जो है जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने वहां पर और कई पिटीशन लगा करके और इस मामले अब आप बोल दीजिए अब हाई कोर्ट में फैसला हुआ, तथ्यों को साथ छेड़छाड़ करके वो फैसला किया गया, कोशिशों के बावजूद हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को लागू कर दिया। कपिल सिब्बल के सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया उसकी हकीकत ये है जो हाई कोर्ट में फैसला हुआ है उसकी सच्चाई नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने जो सबूत चाहते हैं उसमें मामले का निर्णय और मस्जिद है चुनाव के बाद भी किया जाना चाहिए। ठीक है ठीक है, जितेंद्र श्रीवाली जी मौका दीजिए, जितेंद्र श्रीवाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, इनके प्रकार ठीक है, मैं इस सवाल को थोड़ा बदल रहा हूँ। जितेंद्र श्रीमाली जी, मैं आपकी सुविधा के लिए सवाल को थोड़ा बदल रहा हूँ। 2014 से पहले हो सकता है कि बीजेपी को पता नहीं हो कि सरकार में आने के बाद भी राम मंदिर बनाना आसान नहीं है,
इसलिए वादा किया गया होगा। अब पांच साल सत्ता में रह गए सर, अभी समझ में आ गया होगा कि आसान नहीं है राम मंदिर को बनाना, तो वादे करते नहीं है। इसलिए 42-40 आज अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राम मंदिर बनाने के लिए जितने भी विकल्प हैं उन सबको तलाश करके निर्णय किया जाएगा। झूठ बोलने की तो सरकार जो है वो या तो नहीं तो अगर विधेयक भी लाना पड़ा तो इसके ऊपर विधेयक आएगा। बहुत अच्छे सर, अब जरा ये बताइए कि पांच साल में विधेयक क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया पांच साल तक? जब सुप्रीम कोर्ट में ये तय होने वाला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है सर। सही कह रहा हूं, कोर्ट की बात मुझे ये बताइए कि पांच साल में विधेयक क्यों नहीं आया? क्या मामलों में कोर्ट में नहीं आएंगे? कहने वाला है कि इसके ऊपर मंदिर भगवान राम का मंदिर है, प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन लगा के रुकवा दिया। इस प्रकार से आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, विधेयक लाने के लिए किसने रोका? मुझसे तो सही ठीक है, मुझे प्रोग्राम को क्लोज कर दे, मुझे प्रोग्राम को क्लोज कर दे। जितेंद्र शर्मा जी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सुरेश मिश्रा जी, मुझे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। जितेंद्र श्रीमाली जी, एक लाइन में चलिए, यही समझाइए राष्ट्रवाद क्या है जी। राष्ट्रवाद फ्रंट पेज पे है सर, यही समझा दीजिए राष्ट्रवाद। मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, समझ गई जनता, अभी भी कहा, जब इस राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है कि इस भारत भूमि से और इस भारत भूमि से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक महापुरुषों का हमारे मन के अंदर जो भाव है और इस देश के प्रति जो हमारे मन के अंदर जो श्रद्धा का भाव है, अब रुक जाइए। जितेंद्र श्रीमाली जी, ये जो है जितेंद्र श्रीमाली जी, समर्थन करने वाले शब्दों को सर दोबारा सुनिएगा, जितेंद्र श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी अपने शब्दों को दोबारा सुनिएगा सर। आपने कहा कि महापुरुषों का सम्मान आपके फ्रंट पेज, महात्मा गांधी का आशीर्वाद वाले जी गायब है, महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी लोग हैं, पर गांधी शुक्रिया माफी ना मिलने के बराबर हमारे राष्ट्र के लिए भी शुक्रिया। कायम खानी जी आपका भी शुक्रिया और पुरुषोत्तम जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर कि देश की भावनाओं के साथ राम मंदिर के मुद्दे के साथ 27 सालों से जनता ये इंतजार कर रही है कि एक शिलालेख वहां पर रखा जाए ताकि जो कहा गया उम्मीद लगे कि वो आगे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अफसोस, 27 साल के बाद बीजेपी के घोषणा पत्र के पहले पन्ने से निकलकर 40वें पन्ने पर राम मंदिर का मुद्दा पहुंच गया और राष्ट्रवाद फ्रंट फुट पर आ गया है। जवाब तो देना पड़ेगा, मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको लेकर चलते हैं गणगौर, जिसका अपना एक वैभवशाली इतिहास और जयपुर के लिए